11 फिजिक्स पार्ट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 1 ठोसों की यांत्रिक गुण में पदार्थ तथा इलेक्ट्रिसिटी के धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ये वही वीडियो है जिसमें आपको ठोसों की यांत्रिक गुण में पदार्थ के बारे में सब कुछ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। पदार्थ क्या है, पदार्थ की सीमा क्या होती है, प्रतिबल, विकृति, इन सभी के प्रकार और भी कई चीजें हैं जो कि आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल प्रयोग के साथ आपको समझाया जाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट दोस्तों, कोई भी आपको न्यूमेरिकल थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मानना है। आपको ऐसे समझाया जाएगा इस वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट को कि दोस्तों आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। और दोस्तों एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी थ्योरी, एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी न्यूमेरिकल आपसे छूटेगा नहीं, इसकी मेरी फुल गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जोर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी जोर कर दीजिएगा। आप खुद देखोगे जो कॉन्सेप्ट आप रखते थे इस वीडियो में आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए अपने इस शानदार टॉपिक को बेहतरीन शुरुआत करते हैं और अपने आज के ये टॉपिक पदस्थता क्लियर कर देते हैं। तो आइए समझते हैं प्रत्यस्थता को। सबसे पहले यानी इलास्टिसिटी क्या होती है इस समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, आपको पता होगा डेली लाइफ में आप करते होगे। जैसे ये रबड़ हो गया, इसको मैंने क्या किया, एक बल लगा के इस तरह खींचा और यहां पर क्या कर दिया, मैंने इसे छोड़ दिया। तो देखा कि जिस जैसे था ये रबड़ वैसे ही वापस आ गया। तो ये क्या है कि इस वस्तु का इसके पास ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण मैंने इसे बल लगाकर खींचा भी, इसको खींचकर इसका हुलिया भी बिगाड़ दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने हुलिया बिगाड़ने के बाद इसको छोड़ा तो वापस ये क्या हुआ, उसी शेप में आ गया जिस तरह वो था। तो ये कौन सा गुण होता है किसी वस्तु, किसी पदार्थ में, जिसके कारण वो वापस उसी अपने ही आकार में आ जाती है? तो यही तो होता है हमारा प्रत्यस्थता, यानी जी हाँ यही होता है हमारी इलास्टिसिटी। तो प्रत्यस्थता कितना आसान हुआ आपके लिए। बस क्या है प्रत्यस्थता, जब भी किसी वस्तु या पदार्थ का ये वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर आरोपित बल द्वारा हुए आकृति में परिवर्तन, जैसे ही मैंने क्या किया, इस रबड़ के आकृति में बल लगाकर क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया इसके आकृति में, ने आकृति परिवर्तन का विरोध किया, विरोध करते हुए क्या किया, वो वापस अपने आरंभिक अवस्था में जिस तरह वो था वापस उसी अवस्था में ये आ गया। तो यही गुण क्या होता है, प्रत्यस्थता का गुण होता है। तो यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर विरूपक का हमने यूज किया हुआ है, ओके, और हम लगा क्या रहे, हम बल ही लगा रहे, लेकिन इसे विरूपक बल हमने क्या क्यों नाम दिया, बाकी सब तो ठीक है, चलिए ठीक है बल हमने लगाया, लेकिन उसको ने विरूपक बल का ही नाम क्यों दिया। देखिए इसको समझते हैं, तो विरूपक बल को समझना पड़ेगा। आखिर दोस्तों विरूपक बल का मतलब क्या होता है, देखिए बल तो हमेशा हम लगाते हैं, हम इस वस्तु पर हमने बल लगा दिया तो ये वस्तु आगे बढ़ने लगी, ओके, हमने किसी पुली को खींच दिया तो हमारा पानी क्या हुआ, ऊपर आ गया, तो हर जगह हम बल लगाते हैं। लेकिन प्रत्यस्थता में कुछ अलग होता है, प्रत्यस्थता में क्या होता है, हम क्या करते हैं वस्तु पर बल लगाते हैं लेकिन वस्तु एक्सलेट नहीं होती है, वस्तु आगे जाकर छोड़ने पर, बल हटाने पर वो क्या जाती है, वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। यानी कि ये बल क्या लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, ये क्या कर रहा है, किसी वस्तु वो बल नहीं है जिससे हमने लगा दिया, वस्तु एक्सलेट होकर आगे बढ़ने लगी, उसके अंदर वेग आ गया, ये सारी चीजें, ये सब वे बल नहीं है ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कुछ अलग है। तो इसको भी कुछ अलग नाम दे दिया गया, विरूपक बल। और यहां पर विरूपक बल को इंग्लिश में डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स से ही नाम समझिए, नाम तो आपने सुना ही होगा इसका, डिफॉर्मिंग फोर्स का। डिफॉर्म मतलब क्या हुआ, हुलिया बिगाड़ देना, रे सर्च करिए, डिफॉर्म मतलब ही होता है बिगाड़ देना, आकृति में कुछ बदलाव कर देना। तो आकृति में बदलाव हो रहा है प्रत्यस्थता में, वस्तु में हम खींच रहे वस्तु को, तो वही हमारा क्या हो गया, यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल का इसे नाम दे दिया गया। तो यह वह बल होता है जो पिंड या वस्तु के आकार या साइज, आयतन हो गया, लंबाई हो गया, शेप हो गया आदि में परिवर्तन कर देता है। तो इसे ही हम क्या कह सकते हो, विरूपित कर देता है। तो ये ऐसा करने वाला रिश्ता हमारा क्या कहलाता है, उस बल का, जी हाँ विरूपक बल कहलाता है। विरूपक बल तो वो बल हो गया जिसके कारण हम क्या करें, इस वस्तु को खींच रहे, जिस बल के कारण हम इसके आकृति में परिवर्तन कर रहे हैं, इधर की ओर जो बल लग रहा है वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ था, आरोपित विरूपक बल द्वारा हुए आकृति परिवर्तन का विरोध करती है। यहां पर विरोध लिखा हुआ है ना, यानी कि भाई यहां पर हम वस्तु पे बल इधर लगा रहे हैं आगे की ओर, तो इसका विरोध कौन कर रहा है, इसके पीछे की ओर इसका विरोध कौन कर रहा है जिसके कारण ये वापस अपने आकार में आ जा रही है। हम बल इधर लगा रहे हैं, इसका कोई विरोध कर रहा होगा जिसके कारण ये वापस पीछे आ जा रहा था। जी हाँ, उसी विरोध जो कर रहा है वो भी एक बल ही होता है। उस विरोधी बल का नाम होता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल, जो अंदर ही अंदर लगता है लेकिन दिखता नहीं है, और इसे प्रत्यन बल भी कहते हैं। प्रत्यन बल को इंग्लिश में दोस्तों हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि जो वापस हमें क्या करते, वापस लेकर आ जाता है किसी वस्तु को। हमने विरूपक बल द्वारा वस्तु को खींचा और इसको वापस अपने आकार में लाने वाला कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी प्रत्यानयन बल या आंतरिक प्रतिक्रिया बल या विरोधी बल होता है इसका, यही होता है हमारा, ओके। तो अब बात करते हैं प्रत्यास्थ वस्तु क्या होता है। प्रत्यास्थ तो हमने समझ लिया कि किसी वस्तु को हमने खींच दिया वापस वो अपने आकार में आ गया। तो प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है, इसे देखिए जिसमें भी प्रत्यास्थता का गुण होता है, जिसमें भी यह गुण होता है वही हमारी प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। सिंपल सी बात है, जैसे हमने अभी दिया उदाहरण रबड़ की डोरी, इसको हमने खींचा वापस अपने आकार में आ गई, जिस जैसे थी वैसे आ गई, तो ये प्रत्यास्थता का गुण इसके अंदर है, इसलिए ये क्या है, प्रत्यास्थ वस्तु है। इसी तरह एक एग्जांपल स्प्रिंग का, स्प्रिंग आपने पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें स्प्रिंग में क्या हमने बात की थी, उसमें भी खिंचाव तनाव हो रहा था स्प्रिंग को, जब हमने क्या किया, स्प्रिंग कुछ इस तरह होता है, उसको जब हम खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं
किसी पॉइंट पर, तो वापस क्या आ जाती है, जिस जैसे थी वैसे आ जाती है। तो वो भी क्या होता है, पतस्ता का गुण उसके अंदर होता है, इसलिए उसे पतास्त वस्तु कहते हैं। ओके, तो ये तीन चीजें बहुत ही बेसिक चीजें थी जो हमने आपको अभी बता दी, पतास्त वस्तु, पतस्ता, विरूपक बल। ओके, अब मेन हमारा स्टार्ट होता है यहां से। जी हाँ, मेन हमारा स्टार्ट होता है यहां से। स्टार्ट करते हैं हमारे जो है प्रतिबल यानी स्ट्रेस को समझते हैं। ओके, तो प्रतिबल बहुत ही आसान है, यह एक प्रेशर की तरह होता है। प्रेशर हमारा नहीं होता है, जितना हमने बल लगा और जितने क्षेत्रफल पे लगाया वो हमारा प्रेशर होता है। लेकिन वही चीज ये भी होता है, लेकिन कुछ अलग। इस प्रतिस्थता के अंदर में प्रतिबल किस किस तरह डिफाइन होता है उसको हम समझेंगे। जैसे प्रतिबल क्या, किसी वस्तु के एकांक अनुपस्थ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अतिरिक्त प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। जब हम दाब पड़ते थे तो कोई वस्तु है, हम उसके कितने क्षेत्रफल, मान लीजिए यहां पर इस क्या है, पेन का ये जो कैप है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, बल लगाया इतने क्षेत्रफल पर, बल लगाया तो बल बटा क्षेत्रफल हो गया हमारा दाब। लेकिन प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल जैसे कि ये हम इसको क्या करें, खींच रहे हैं, तो जितने क्षेत्रफल पर हमने क्या किया, इतने क्षेत्रफल पर क्या दिया, बल लगाया और इसको हमने खींचा। ओके, जितने क्षेत्रफल पर बल लगाया क्षेत्रफल यहाँ पर रख देंगे, प्रतिबल आपका आ जाएगा। दाब की तरह होता है, लेकिन दाब में हम दबाते हैं वस्तु को, लेकिन पतस्ता में क्या होता है, वस्तु को हम खींचते हैं। तो भाई खींचने में जो फोर्स लगा हमारा वो, एवं जितना क्षेत्रफल हमने बल लगाया उसका अनुपात हमारे यहाँ होता है प्रतिबल स्ट्रेस होता है। ओके, जैसे उदाहरण देखिए, हमने आपको बता दिया एक रॉड है यहाँ पर, इस रॉड का दोस्तों यहाँ पर जो एरिया है वो मान लीजिए 50 क्या है, 50 मीटर स्क्वायर एग्जांपल के तौर पर, और हम इसको क्या लगा रहे, इधर की ओर बल लगाकर इसको खींच रहे हैं। ये बंधा हुआ है इधर से, हम इसको बल लगाया एफ, कितना एफ है, 10 न्यूटन का बल है। तो हमने बल लगा दिया 10 न्यूटन का, इसका एरिया जिस एरिया पे बल लगाया वो कितना, 50 मीटर स्क्वायर है। तो हमने आपसे पूछ दिया बताइए प्रतिबल कितना है, तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, जितना बल लगाया और जितने क्षेत्रफल पर लगाया उसी का अनुपात हो जाएगा, यानी 1/5 आपका क्या होगा प्रतिबल, यानी कि 0.2 आपका होगा। ओके, और प्रतिबल क्या है, बल लग रहा है उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, एवं बटे में हमारा क्या है, मीटर क्षेत्रफल एरिया का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 0.2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, प्रतिबल निकल कर आ गया। और प्रतिबल यहां पर तीन प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिबल के साथ ही साथ हम क्या समझ लेते हैं यहां पर, क्या विकृति को भी, स्ट्रेन को भी। ओके, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, विकृति यानी कि किसी वस्तु का बिगाड़ देना, विकृति वही होता है। जैसे कोई वस्तु हमारा क्या है, साफ सुंदर इस तरह रखा हुआ है, साफ सुंदर क्या है हमारा, रखा हुआ है नया नया। ओके, लेकिन इसका विकृति होने का मतलब क्या होता है, इस वस्तु को खींच दिया आपने, खींच कर लंबा कर दिया, इतना सुंदर वस्तु था, आपने क्या लगा दिया, कोई बल एफ लगा दिया और ये वस्तु को इस तरह लंबा खींच दिया, यानी इस वस्तु का क्या कर दिया, विकृति कर दिया। ये पहले एल लंबाई का शुद्ध था हमारा, एल मीटर का, अब इसने क्या कर, आपने क्या कर दिया, डेल्टा एल परिवर्तन कर दिया, यानी कुछ और बढ़ा दिया। डेल्टा एल का मतलब होता है कुछ और परिवर्तन कर दिया इसकी लंबाई में। ओके, तो यही विकृति का अर्थ होता है, विकृति यानी बिगाड़ देना, किसी वस्तु का लंबाई बिगाड़ देना, उसको चौड़ाई बढ़ा देना या कम कर देना, विकृति यही होता है। तो विकृति का परिभाषित कैसे करेंगे, तो वस्तु की विमा यानी आकार, लंबाई, आयतन, रूप में होने वाला दोस्तों परिवर्तन है उसका भिन्न के रूप में अगर आप लिख दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। यानी जैसे इसका लंबाई क्या है, एल है, हाँ एल है, लेकिन हमने एफ बल लगाकर इसके डेल्टा एल में परिवर्तन कर दिया, डेल्टा एल इसमें लंबाई में परिवर्तन कर दिया, तो उसी परिवर्तन का भिन्न रूप ले लेंगे, यानी एल का इस परिवर्तन के साथ भिन्न रूप लिख देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमारा विकृति हो जाएगा, सिंपल सी बात। ओके, अगर हमने आपसे पूछा यहां पर आप बताइए प्रतिबल भी बताइए, तो आप स्मार्ट हो गए हो, प्रतिबल क्या होता है सर, जो हम बल लगाते हैं और जितने एरिया पर लगाया, तो ये मान लेते इसका एरिया क्या है, ए है, तो वही हमारा एफ अपॉन ए हमारा प्रतिबल हो जाता है। तो देखिए यहां पर प्रतिबल एवं विकृति दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक ही जगह होती है। हमने एफ बल लगाया किसी एरिया पर तभी ना उसका विकृति हुआ, अरे सोचिए जब आप बल लगाएंगे किसी एरिया पर तभी ना वो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसका आकार ये सभी बढ़ेगा, तो उसमें विकृति आएगा। तो दोनों क्या होते हैं, साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, प्रतिबल अगर लगा है तो विकृति भी होगा ही। आगे बढ़ते हैं, और जो तीन हमने टाइप्स आपको कहे जो हमारे होते हैं प्रतिबल के, उन तीनों प्रकार को एक एक करके मक्खन की तरह क्लियर कर लेते हैं। कुछ भी याद नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपका सब कुछ, न्यूमेरिकल जो भी आपके हैं सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा, इस चैप्टर का एक भी नंबर मिस नहीं होगा आपका। ओके, तो देखते हैं पहला टाइप अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमारा क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल में क्या होता है, जो हमारा विरूपक बल, हम वस्तु में जब हम बल लगाए, बाह्य बल को ही हम विरूपक बल कहते हैं, आपको पता है, अभी हमने आपको बताया, उस बल द्वारा क्या हो, केवल लंबाई में परिवर्तन हो वस्तु के पर, तो वही परिभाषा लिख देंगे जो आपने अभी प्रतिबल में पढ़ा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य आंतरिक प्रतिक्रिया बल हमारा क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। बस एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्या ऐड करना है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल में कुछ यूनिक होगा, क्या यूनिक होगा, विरूपक बल द्वारा लंबाई में परिवर्तन होगा, फिर वही लिख देंगे आप, तब हमारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य आंतरिक प्रतिक्रिया बल हमारा क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। ये हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसको आप पढ़ोगे, इसको आप नोट्स में लिखोगे, तो साथ ही साथ ये चीज आप खुद से लिखोगे तो आपको याद होगा अच्छे से। ओके, तो जैसे लंबाई में परिवर्तन करें, इसको हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहां पर
एक रॉड हमने ले लिया, वही एग्जांपल, एक रॉड हमने ले लिया, इसका लंबाई एल है, हमने क्या लगा दिया, बल लगाया एफ, तो इसके बल से क्या हुआ, ये बल लगाने से क्या हुआ, इसके लंबाई में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया ना, इसका लंबाई क्या हो गया, यहां तक तो एल था लंबाई, लेकिन कुछ परिवर्तन हो गया डेल्टा एल। ओके, तो इस बल द्वारा जो कि हमारा है विरूपक बल, हम इसे कहते हैं, इसके द्वारा हुआ क्या, इस रॉड का लंबाई में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह ये जो हमारा दोस्तों प्रतिबल हम निकालेंगे, तब हमारा कौन सा प्रतिबल होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा। ओके, तो यहां पर हम क्या निकाल देंगे, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, हमने रॉड को लिया एल लंबाई को, हम बल क्या लगा रहे, खींच नहीं रहे, अब इसको दबा रहे, तो हमने दबाया तो इसमें इस दबाने पर भी क्या हुआ, लंबाई में परिवर्तन हो गया, पहले यहां तक क्या था पूरा एल था, लेकिन अब क्या हुआ यहीं तक है, केवल यहीं तक है, यानी कुछ कमी हो गया, कितना डेल्टा एल। तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है विरूपक बल के कारण। तो ये भी हमारा प्रतिबल कौन सा आएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, एफ होगा बटे में जितने एरिया पर बल लगाए हो। ओके, तो क्या आपने समझ लिया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो हमारे विरूपक बल जब हमारा लंबाई में परिवर्तन करता है दोस्तों। और याद रख सकते हो इसमें कि जो ये प्रतिबल है अनुदैर्ध्य प्रतिबल में, एक प्रतिबल हमने देखा जब हम वस्तु क्या करें तार को खींच रहे हैं, डेल्टा एल लंबाई वृद्धि कर दे रहे, और एक प्रतिबल हमने देखा कि जब हम इसको क्या करें खींच नहीं रहे, दबा के इसकी लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं। ओके, तो दो सिचुएशन बन रही है ना, तो एक सिचुएशन ये हो गया, एक सिचुएशन ये हो गया, तो इसमें इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है किसी किसी किताबों में। तो इस तरह जब हम खींचकर बढ़ा देते हैं लंबाई परिवर्तन की तार में, तो उसको तनन प्रतिबल हम कह देते हैं, तनन प्रतिबल, तनन यानी कि खींच दिया हमने किसी चीज को तो उसकी लंबाई वृद्धि होगी। और जब हम क्या करें दबा रहे, दबाने का मतलब क्या है, संपीड़ित करना किसी वस्तु, कंप्रेस करना। तो ये एक किताब में दिया रहता है कि जब हम दबा के लंबाई छोटे करते हैं तो उसको संपीड़ प्रतिबल इसको कह देते हैं। ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हो इस तरह इनके प्रतिबल के नाम को भी। दूसरा है हमारा अपरूपण अथवा स्पर्श रेखी प्रतिबल। इसमें क्या होता है, जब हमारा विरूपक बल वस्तु की सतह के समांतर हो तथा वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहा है, तब वही लिख देंगे प्रतिकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल हमारा क्या कहलाएगा, अपरूपण या स्पर्श रेखी प्रतिबल कहलाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, लंबाई में नहीं परिवर्तन करेंगे हम, वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देंगे। यानी अगर साफ सुथरी कोई आपने वस्तु लेकर आई यहां पर, इस तरह का कुछ साफ सुथरा अच्छा सा ब्लॉक लेकर आया, ना हम इसे खींचेंगे ना ही हम इसे क्या करेंगे दबाएंगे, हम इसका आकार बदल देंगे। आकार कैसे बदलेंगे, कैसे आकार बदलेंगे, हम इसमें बल लगा देंगे, कौन सा, विरूपक बल, और किस तरह बल लगाएंगे, विरूपक बल किस तरह कैसे लगाएंगे, सतह के समांतर। यानी अगर सतह है इस तरह है, इस तरह फ्लैट है, तो हम फ्लैट करके ही बल लगा देंगे यहां पर, इस तरह एफ बल लगा देंगे यहां पर। ओके, यहां से हमने फोर्स लगा दी इस पूरे क्षेत्रफल पर। ओके, तो इस पूरे एरिया पर हम क्या लगा दिए, बल लगा दिए एफ। तो इस बल लगाने से क्या हुआ, इसका आकार बदल गया, यानी जो ये सीधा अच्छा सा वस्तु रखा था उसको क्या कर दिया, इस तरह आपने इस तरह टेढ़ा कर दिया, कुछ इस तरह आपने कर दिया। ये वस्तु सीधा था हमारा, इस तरह था पहले हमारा, लेकिन आपने बल लगा दिया यहाँ की ओर, तो हो गया क्या, ये थोड़ा इस तरह टेढ़ा हो गया, किसी थीटा एंगल पर देख रहे हो कोण बन रहा है एक, किसी थीटा एंगल पर झुक गया। ओके, तो यहां से अगर यहां तक की लंबाई एल थी हमारी, तो ये भी लंबाई तो वही है, लंबाई हमारी वही है, यहां से यहां तक की भी लंबाई एल ही है, लेकिन हो क्या गया, हमारा क्या था, इस तरह था, तो कुछ क्या हुआ, अब बाहर की ओर आ गया, यहां से थोड़ा झुक गया इधर की ओर, मारे कितना झुक गया आगे, एक्स मीटर आपका क्या हुआ आगे निकल गया है। ओके, तो यहां पर हमने आपसे पूछा अपरूपण प्रतिबल बताइए, तो होगा क्या हमारा, हमने क्या किया, इस पूरे अक्ष के समांतर ये जो है हमारा एरिया जिसका ए है, उस पर एफ बल लगा दिया, तो बल बटे इसका एरिया हो जाएगा आपका अपरूपण प्रतिबल। समझ गए क्या होता है अपरूपण प्रतिबल, और तीसरा का होता है आयतनात्मक प्रतिबल। ये बहुत ही आसान, देखिए आयतनात्मक या आयतन प्रतिबल कह सकते हो, जब क्या हो आयतन हमारा क्या हो बदल जाए। देखिए जब हमारा क्या था, यहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल था, तो हमारा क्या लंबाई परिवर्तन हो रहा था विरूपक बल द्वारा, अपरूपण प्रतिबल था तो वस्तु को हम समांतर बल लगाकर उसका आकार बदल दे रहे थे, तो जब आयतन प्रतिबल होगा तो हम क्या कर देंगे, विरूपक बल द्वारा क्या हो जाए वस्तु का आयतन बदल जाए, आयतन क्या हो जाए बदल जाए। और कैसे बदलेगा, जब हम क्या करें हर तरफ से, ये वस्तु है मां जी कोई गोल सा, इस पे हर तरफ से यहां से भी यहां से भी यहां से भी यहां से भी हर तरफ से क्या करें तल के हम क्या करें समान रूप से हर जगह से हम क्या लगाए विरूपक बल लगाए एफ, विरूपक बल लगाए हर जगह से, तब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा इस वस्तु का आयतन बदल जाएगा, क्योंकि यहां से भी लगा तो कुछ अंदर जाएगा, यहां से भी अंदर जाएगा, यहां से भी अंदर जाएगा, यहां से भी अंदर जाएगा, तो कुछ स्थिति क्या हो जाएगी, कुछ स्थिति क्या हो जाएगी आफ्टर क्या हो जाएगा, इसलिए अब इतना बड़ा नहीं होगा, इसका आयतन चेंज हो जाएगा, यानी कुछ इसका आयतन अगर वी था पूरा तो कुछ चेंज हो जाएगा डेल्टा वी, तो ये जो आयतन बनेगा वो वी माइनस डेल्टा वी बनेगा। तो यही होता है हमारा आयनात्मक प्रतिबल, जब विरूपक बल द्वारा हमारे वस्तु का आयतन हमारा छोटा हो जाए, तब हमारा दोस्तों क्या हो, उस पूरे क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला विरूपक बल आंतरिक प्रतिक्रिया बल हमारा क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिबल कहलाएगा, यानी जो हम बल लगा रहे वो, और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा इस पूरे का क्षेत्रफल एरिया ए, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इस आयतन प्रतिबल हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिकली देखिए, मान लो कोई एक ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक है, हमने क्या किया हर जगह से बल लगाया, हर जगह से बल लगा के इसका क्या कर दिया आयतन, देख लिया आप क्या कर दिया छोटा सा कर दिया, तो
हमने हर जगह से जो बल लगाया और जितना क्षेत्रफल पर बल लगाया उसी का अनुपात आपका आयतन प्रतिबल हो जाएगा। विकृति पढ़ा था तुमने, आपको बताया था कि जो हमारा प्रतिबल होता है वो प्रतिबल होता है वो हम विकृति के ही तरह होता है। जब हम प्रतिबल लगाते हैं तो विकृति भी प्रतिबल लगाते हैं तभी ना विकृति आता है, तो उसी तरह इसके भी प्रकार भी एकदम सेम टू सेम उसी की तरह है, बस विकृति आगे लगा देना है। जैसे हमारा पहला क्या था, पहला प्रकार था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो यहाँ लेकिन जब हम पढ़ेंगे विकृति तो उसमें पहला हमारा होगा अनुदैर्ध्य विकृति, उसमें भी यही होगा कि हमने क्या कर दिया एक रॉड ले लिया एल लंबाई का और इसको क्या कर दिया इस तरह खींच दिया, यहाँ पर कुछ बल लगाया एफ, इसको खींचकर इस तरह हमने कर दिया। ओके, तो यहाँ पर विकृति में बस हम क्या देखेंगे वस्तु में कितना परिवर्तन हुआ, वस्तु जैसे कि अनुदैर्ध्य पर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने बल लगाया तो इसमें कुछ डेल्टा एल इसकी लंबाई क्या होगी बढ़ गई, तो विकृति बढ़ा या आयतन बढ़ा उसी का हम भिन्नात्मक परिवर्तन लेते, याद आया कुछ, इसका लंबाई एल था हमने बढ़ा कितना दिया डेल्टा एल, बस इसी का हमारा क्या हो जाता है अनुपात हमारा क्या हो जाता है विकृति होता है। अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति में क्या हुआ, यहाँ पर हमने रॉड को खींचा तो उसका डेल्टा एल लंबाई बढ़ गया तो उसी का अनुपात हमारा अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो गया, हमने रॉड को जब खींचा इस तरह सीधा तो डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन हुआ वो, और बटे में पहले जो लंबाई था उसका भिन्नात्मक रूप हमारा क्या हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा। और दूसरा का बात करते हैं आयतन विकृति, जिस तरह हमारा आयतन प्रतिबल था हमने बॉल को क्या कर दिया आयतन क्या कर दिया बड़ा था, हमने इसको क्या कर दिया दबाकर छोटा कर दिया, तो आयतन में हमने कमी कर दिया, पहले इसका आयतन वी था हर जगह से हमने क्या कर दिया विरूपक बल लगा दिया तो हमारे इसका आयतन क्या हो गया हमारा कम हो गया। ओके, और कम कितना हो गया, मान लीजिए डेल्टा वी कम हो गया बल लगाने के बाद, तो हमारा आयतन विकृति क्या होगा, आयतन विकृति बस हमने जितना परिवर्तन किया और बटे में पहले जो था उसी का अनुपात हो जाएगा। हमने यहाँ पर डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन कर दिया और पहले कितना था हमारा वी आयतन था, ओके बस इसी का अनुपात हो जाएगा हमारा आयतन विकृति। लेकिन यहाँ पर एक चीज करेंगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब रॉड का केस था तो हम क्या कर रहे थे लंबाई को बढ़ा रहे थे तो हम ना पॉजिटिव ले रहे थे क्योंकि बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर आयतन को घटा रहे हैं घटाने से ही सोचिए घटा रहे हो माइनस, घटा रहे हो आयतन लंबाई घटा रहे हो माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा आयतन विकृति में। ओके, क्योंकि हम घटा दिए हैं। ओके, समझ रहे हो बात को। ओके, इसी तरह तीसरा है हमारा अपरूपण विकृति, जिस तरह अपरूपण हमारा क्या था प्रतिबल था उसी तरह अपरूपण विकृति भी होगा। इस तरह हमारा सुंदर सा ब्लॉक था हमने समांतर बल लगा दिया, इसके समांतर बल लगा दिया तो क्या हो गया थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और हम मान लेते भाई ये थीटा एंगल पर टेढ़ा हो गया और आगे से एक्स निकल गया, लंबाई तो वही था यहां से यहां तक लंबाई एल ही था हमारा, लेकिन हुआ क्या चेंज कि थोड़ा सा आगे निकल गया, आगे हम मान लेते एक्स निकल गया। तो यहाँ पर अपरूपण विकृति क्या होता है, जितना परिवर्तन हमने किया, परिवर्तन हमने कितना किया ये एक्स, एक्स हमने बाहर निकाल दिया, पहले कुछ नहीं निकला था यहाँ पर लेकिन हमने बल लगाकर क्या किया एक्स मान लीजिए इसको बाहर निकाल दिया, तो इस एक्स और जो पहले था, पहले हमारा क्या था लंबाई क्या था इसका एल ही था, पहले हमारा यहाँ पर भी लंबाई एल था तो इसको एल रख देंगे। ओके, और इसी को बुक में क्या लिखा होता है टेन थीटा लिख दिया होता है, ये जो थीटा एंगल बढ़ता है ना यहाँ पर भी उसी को टेन थीटा लिख दिया होता है और बिल्कुल सही है। अब अगर गणित की छात्र हो तो आप सिंपली कहोगे सर टेन थीटा हमारा होता है क्या लंब बटे आधार, तो यहां पर अगर हम देखेंगे ये ट्रायंगल बनेगा इसको हम क्या करेंगे जूम करेंगे, तो इसको अगर हमने जूम कर दिया यहां पर देखिए जूम करके आपको दिखाते हैं फील कराते हैं, तो यहां पर इस तरह का कुछ सिचुएशन है, यहां पर थीटा एंगल कुछ बन रहा है, इसी तरह का कुछ थीटा एंगल बन रहा है, ये एक्स बाहर निकला है और ये लंबाई एल था, तो हमारा टेन थीटा यहां पर क्या हो जाएगा टेन थीटा क्या होता है किसी त्रिभुज में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है यहां से लंब हमारा एक्स है और आधार क्या है जिस ये आधार हमारा है एल है जो कि, तो ये क्या है एक्स बटे एल ही ने बन रहा है, तो ये हमारा टेन थीटा के बराबर लिखा है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है अपरूपण विकृति एक्स बटे एल होता है, जितना एक्स बाहर निकला वो, जितना लंबाई था उसका यहां से यहां तक वो, और यही किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। ओके, तो न्यूमेरिकल जब बनते तो कहीं कहीं आपको टेन थीटा दिया होता है अपरूपण विकृति में, और यहां पर इन तीनों चीजों में से आपको कोई दो चीज दे दी होगी और आपको तीसरा चीज पूछ लेगा, तो बस फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप बिल्कुल आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको पता है ऐसी नॉलेज वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती ही रहे। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं प्रत्यक्षता की सीमा। अभी हमने प्रत्यक्षता को पढ़ा, प्रतिबल पढ़ा, स्ट्रेस यानी कि फिर विकृति को पढ़ा, इनके प्रकारों को समझा, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षता की सीमा क्या होता है। अब प्रत्यक्षता का मतलब आपको समझ में आ गया, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, किसी वस्तु या किसी रॉड ही हो गया उसको हमने खींचा है, रॉडी क्या होता है खींचना या दबाना, और दबाने या खींचने पर बल जब हम बल लगाते हैं वो अविरूपक बल लगता है, और जब हम वो विरूपक बल हटा देते हैं तो वस्तु वापस अपने आकार में आ जाती है। समझ गए आपने।
प्रत्यक्षता की सीमा में होता क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल के कारण उत्पन्न विकृति की सीमा वह सीमा जिसमें प्रत्यक्षता का गुण विद्यमान हो प्रत्यक्षता की सीमा कहलाती है। अब देखिए किसी वस्तु के अंदर क्या होता है, खींचना या दबाने का गुण क्या होता है, वह नियत होता है, वह फिक्स होता है। उससे ज्यादा अगर आप खींच दोगे तो या तो वो टूट जाएगी या तो वह फट जाएगी, कुछ ऐसा हो जाए, यानी उसका स्थिति बेकार हो जाएगा। जैसे ये रबड़ ही हो गया, इस रबड़ है छोटा सा, ओके, इसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण है क्योंकि हमने इसको खींचा और छोड़ दिया वापस आ गई, लेकिन इसके अंदर एक लिमिट है ना, इसको हम ज्यादा नहीं खींच सकते। इसके आगे भी हम इसको इस तरह खींचेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इस तरह टूट जाएगा, आपने देखा, ओके। तो इसके अंदर कुछ लिमिट थी खींचने की या दबाव दबाने खींचने की, ओके। तो वही हमारा क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा होती है, जितना सीमा तक हम वस्तु को खींच सकते हैं या दबा सकते हैं, वही सीमा हमारी क्या होती है, प्रत्यास्थता की सीमा होती है, ओके। और यहाँ पर विकृति क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम इसको खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, तो इसका लंबाई परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो लंबाई में परिवर्तन ही हमारा क्या होता है, विकृति होता है, तो विकृति यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। तो हमारा क्या हो गया, तो हमारे प्रत्यक्षता की सीमा क्या हो गई, जब हमने बल लगाया विरूपक बल, तो उसके कारण जो उत्पन्न विकृति होता है वह उसकी वह सीमा जिसमें वह प्रत्यक्षता का गुण परिचित करता है, जिसमें इसको इस रबड़ को खींचने पे वह वापस आ जाता है, वही सीमा ही हमारे क्या होती है, प्रत्यक्षता की सीमा कराती है। लेकिन अगर उस सीमा से भी बाहर हम इसको खींच देंगे तो यह इस पहले वाले रबड़ के साथ पहले वाले रबड़ की तरह टूट जाएगी, यानी या कह सकते हो प्रत्यक्षता का गुण उसके अंदर खत्म हो जाएगा, ओके। और इसी लग रहा है वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जो सभी सारी चीजें इसके आगे जो हमारा उपकार बाकी जो भी चीजें हैं वो पार्ट नंबर 2 वीडियो में हम खत्म करेंगे पूरा, और इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे पार्ट नंबर 2 एवं अन्य इस चैनल के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको क्या टाइम टू मिलती रहे और आप उसका फायदा उठाएं, ओके। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करिएगा। तो चलिए आप मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हस्तरी खुशरी और फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में फुल स्कोर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे मोटिवेशन के लिए। तो ये रही कुछ आपके सामने प्लेलिस्ट, जिससे आप देख सकते हो और भी चीजें सीख सकते हो, और हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हो।